नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं शांतिनाथ झा। आज मैं प्रथम कक्षा के छात्रों को संस्कृत में तृतीय पाठ व्यंजन वर्ण पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी व्यंजन वर्णों में अ जिसे स्वर कहते हैं सदैव उपस्थित रहता है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। संस्कृत भाषा में कुल 37 व्यंजन होते हैं। वर्ग का नाम क वर्ग, ये व्यंजन वर्ण हैं। क, ख, ग, घ, अघ। च वर्ग, इसमें भी 5 शब्द आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, इसमें भी 5 शब्द आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग, इसमें भी 5 शब्द आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। प वर्ग, इसमें भी 5 शब्द आते हैं, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ वर्ण, य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उष्म व्यंजन तालव्यसा, मूर्धन्यसा, दंतसा, ह। संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। प्यारी छात्रों, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ जो क शब्द से कपिल होता है जिसका अर्थ बंदर होता है, ख शब्द से खरगा होता है जिसका अर्थ तलवार होता है, ग शब्द से गदा होता है जिसका अर्थ गदा होता है, घ शब्द से घना होता है जिसका अर्थ बादल होता है। च वर्ग, च से चंद्रा होता है जिसका अर्थ चंद्रमा होता है, छ शब्द से छगा होता है जिसका अर्थ जननी शब्द का अर्थ माता होता है, जौ, जौ से जननी, जननी शब्द का अर्थ माता होता है, झ से झसा, झसा शब्द का अर्थ मछली होता है। प्यारे छात्रों, आज मेरे द्वारा प्रथम वर्ग के छात्रों को च वर्ग वर्ण जिसमें च, छ, ज, झ, इन सभी को मैंने आज पढ़ा दिया। फिर अगली क्लास में मेरे द्वारा आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।